तो गाइस आज है सेकंड डे लंगर पे भंडारे पे। गुड मॉर्निंग। सुबह ऐसा हो गया था बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ रहा था यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? साबुन देखो, साबुन हमारे पास। जय माता। गाइस अपने पप्पा जी है, सारे नमस्ते कर दो पप्पा जी। अभी शाम का वक्त हो चुका है, अब हम सारे जा रहे हैं नदी में टहलने। इतनी बड़ी नदी और नदी में पानी देख लो कितना सा है, बहुत थोड़ा पानी है। व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो गाइस आज है सेकंड डे लंगर पे भंडारे पे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड अभी बच चुके सुबह के 7:30, उठे तो हम 5 बजे के। सुबह ऐसा हो गया था बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा था यहाँ पे, अब थोड़ा शांत है। एंड अब हम नहाने की तैयारियाँ कर रहे हैं, बिकॉज 10 बजे भंडारा शुरू करना है, उससे पहले सब तैयार होकर जोत बत्ती करनी है। एंड आज सुबह का मौसम देखो यहाँ पे कितना प्यारा हो रहा है। देखो गाइस बादल बादल हो गए हैं सारी जगह, बारिश वगैरह ना आ जाए, बस सुबह तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान था। एंड अभी हम जा रहे हैं नहाने, बिकॉज सारे गांव एक हिसाब से अपना ही 17-18 तो घर है, सारे इतना मान सम्मान करते हैं। तो आज वहाँ थोड़ी पानी की दिक्कत थी, टैंकर भरने क्या हुआ था, तो हम कहते हैं चलो गांव वालों के घर पे जाके नहा के आते हैं आज। देखो गाइस मौसम कितना प्यारा हुआ हुआ है, बादल बादल बादल, ठंडा मौसम। तो पहले नहा लेते फिर आपसे मिलेंगे। हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? साबुन देखो, साबुन हमारे पास। गाइस अब घर जा रहे हैं नहा धो के, नहा धो के जा रहे हैं जी, बहुत टाइम बाद। एक हमारे बाबा जी हैं पीछे, उन्होंने लेट करा दिया। बाबा जी टावर है। बाबा जी टावर है। इस मौसम देखो कितनी ठंडी तेज हवा चल रही है, बादल देखो कितने काले बादल आ गए। एंड ये अपने नहा के जा रहे हैं सभी, अपने पप्पा जी उन्हीं। देखो गाइस कितने काले बादल और आंधी तूफान तो बहुत ज्यादा आ रहा है, सही बात है नहीं? पहाड़ा करके रुक गया है। जय माता दी। जय माता। जय माता। अपने पप्पा जी है, सारे नमस्ते कर दो पप्पा जी। गाइस अभी हो रहे हैं दोपहर के, कितना टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं। एंड हमारी पानी की सेवा लगी हुई है, उधर भंडारा चल रहा है, पर इस बार संगत बहुत ज़्यादा कम है। एंड आज भंडारे में बना कढ़ी चावल, तो सारे अपने भंडारा चल रहा है, सारे अपने अपनी सेवा लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं अपना काम बढ़िया तरीके से, बट इस बार संगत बहुत ज़्यादा कम आई हुई है। आगे तो जैसे होता था ट्रालियों की ट्रालियाँ भर के आती थी, ट्रक के ट्रक भर के आते, बट इस बार तो बहुत 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 ज़्यादा कम है, बिकॉज 4-5 रास्ते जा रहे हैं, तो लोग चढ़ाई चढ़ना कम प्रेफर कर रहे हैं एंड अपनी साधन से जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ माहौल चल बना हुआ दोपहर के 1:30 बजे, मौसम भी साफ साफ हो गया, बारिश वगैरह नहीं है, बस सुबह आंधी तूफान आया था एंड शांति पड़ी हुई है, संगत वगैरह बहुत कम है। देखो क्या होता है, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठो, बस सेवा करो और जय माता दी। तो गाइस अभी शाम का वक्त हो चुका है, अब हम सारे जा रहे हैं नदी में टहलने, सेवा वगैरह तो कर दी है, संगत तो बहुत कम थी, पर चलो कोई नहीं, जैसे माँ माई को मंजूर है, अब हम जा रहे हैं नदी में, तो चलिए आपको नदी के दर्शन कराएंगे। इतनी बड़ी नदी और नदी में पानी देख लो कितना सा है, बहुत थोड़ा पानी है। तो गाइस अभी हो रहे रात के 9:15 एंड सभी खाना वगैरह खा रहे हैं, मेरी तो थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, मतलब मेरी पानी की सेवा थी ना तो पैरों में छाले पड़ गए मेरे तो, और गला खराब हो गया मेरा, पता नहीं कैसे हो गया, ठंड चढ़ गई लगता है, पर चलो कोई नहीं। एंड आज का दिन भी सारा निकल गया, व्लॉगिंग वगैरह तो हो ही नहीं पाती है, बिकॉज सारा दिन सेवा में निकल जाता है, फिर सेवा हो गई या फिर व्लॉग ही बनता है या फिर तो फिर सेवा होती है, तो फिर सेवा करने आया तो सेवा ही करेंगे। एंड अभी सारे खाना वगैरह करने गए हुए हैं, यहाँ गांव में जो है एक भंडारा है, यहाँ पे मेला सा है, वहाँ गए सारे, वहाँ से उनका न्योता आया था, तो सारे रिश्तेदार आए पहुँचे, अपनी हाजिरी सबने लगाई है, सबने सेवा की है बढ़िया तरीके से, 2 दिन हो गए। एंड कल सुबह का भंडारा है, बस वो तो सुबह 5 बजे शुरू हो जाएगा, 3-4 बजे उठना पड़ेगा उसके लिए भी,
तो वो भी 10-11 बजे। फिर कल शाम को जो है हम चढ़ाई पर भी जाएंगे, ऊपर पैदल चढ़ के पहाड़ माता रानी के भवन में। तो कल के ब्लॉग में देखना, आज के ब्लॉग में इतना, उनके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।